मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है, इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। ये अनादि ड्रामा फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। क्वेश्चन है, किस युक्ति से तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? किस युक्ति से तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? किसी को सीधा नहीं कहना कि भगवान आया है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसे तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप बेहद का वर्षा, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो इससे वो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाएंगे, स्थूल वतन में समझाया जाता है। बाप जानते, बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे, इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाबा ने समझाया, अब तुम विशेष सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता, अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी, गायें भी वहाँ की बड़ी फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते, वहाँ तो गायें भी कभी बीमार नहीं होती। सत्ययुगी दुनिया में सब स्वस्थ रहते हैं, गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है, जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। कलयुगी दुनिया में कितने रोग, कितनी परेशानियाँ हैं। सत्ययुगी दुनिया और कलयुगी दुनिया दोनों में बहुत अंतर है, ये बाबा आकर बताते। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, जानते ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब बाबा आते हैं वापस ले जाने के लिए। बाबा कहते, जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई भगवान को पुकारते, मेरे नाम बहुत रख दिए, अच्छा बुरा जो आया नाम रख देते। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, जिसको हम पुकार रहे थे, अब वो स्वयं निराकार धरती पर आया है। दुनिया तो ये समझ ना सके, समझेंगे वो जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा। इसलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ तुम बच्चे जानते हो और कोई समझ ना सके। ये भी तुम जानते हो, हम कोई साकार से नहीं पढ़ते, हमें निराकार पढ़ाते हैं। हम कोई साकार से नहीं पढ़ते, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। कौन सा तख्त? ये त्रिकुटी रूपी तख्त। निराकारी दुनिया से आत्मा यहाँ आती है, ये तख्त विनाशी है। आत्मा तो अकाल है, वो कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। ये है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है, वो तख्त है लकड़ी का, उन विचारों को पता नहीं। अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनको भी रथ तो चाहिए। निराकार बाप को भी रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान सागर, ज्ञान ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम बहुतों के हैं,
अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखवाते ज्ञानेश्वर, ज्ञान देने वाला ईश्वर, वो ज्ञान सागर है, उनको गॉड फादर कहते हैं, यहाँ ढेर भगवान हो गए। जब बहुत ग्लानि हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते, तब बाबा आते हैं। बाबा को कहा जाता गरीब निवास। आखिरी वो दिन आता है जो गरीब निवास बाप आते हैं, बच्चे भी जानते बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ तो अथाह धन होता, पैसे कभी गिने नहीं जाते, सत्युगी दुनिया में कभी पैसे नहीं गिनते हैं, अथाह धन होता। यहाँ हिसाब निकालते हैं इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वहाँ ये नाम ही नहीं, अथाह धन रहता। अब तुम बच्चों को मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, फील करेंगे अपने भाग्य को, मैं भाग्यवान हूँ जो मुझसे मिलने स्वयं निराकार भगवान आए हैं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमें अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया, भक्ति में ढूंढते रहते हैं, वहाँ है अंधियारी रात, भगवान को ढूंढते रहते लेकिन वो किसी को मिलता नहीं। अभी भगवान आया है ये तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है, ऐसे नहीं कि सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाबा कहते, आश्रयवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को सुनावंती। ओह माया, तुम कितनी जबरदस्त हो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते, फिर वो कहाँ जाकर जन्म लेंगे, बहुत हल्का जन्म पाएंगे, इम्तहान में नापास हो पड़ते। ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को भगवान कहते रहते हैं, तुमको अब लाए समझते, अब उनको कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसको कहीं भगवान आया है तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं, इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है, कभी किसी को ये बात नहीं कहनी सीधा कि भगवान आया हुआ है। उन्हें समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा है लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए जो समझे कि ठीक कहते हैं। बेहद बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते, वर्षा मिलता है बाप से। और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं, तुम सिद्ध करके बताते हो। हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, पारलौकिक बेहद बाप से बेहद नई दुनिया का वर्षा मिलता। नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तब आकर परिचय दे। वो बाप है नई सृष्टि का रचयिता, नई सृष्टि रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया है तो मानेंगे नहीं, और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सत्युग में समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते। सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में सब करते। तो उस पारलौकिक बाप को कहा जाता दुख हरता सुख करता। पारलौकिक बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन, फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम, उसको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वाम कैसे जाएंगे कोई भी नहीं जानते, ना रचता ना रचना के आदि मध्यंत को जानते। जानते हो हमें बाबा निर्वाण धाम ले जाने आया है, सब आत्माओं को लेकर जाएंगे। बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आए हैं, सब आत्माओं को लेकर जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वो है आत्माओं का घर, ये है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वो निराकार बाप है, उन्हें परम पिता कहा जाता। परम पिताक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती, तुम परम पिता को याद करते हो
तो तुम्हें वर्षा मिलता है, बाप है ना। ये भी बच्चों को समझाया, सत्युग सुख धाम, स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, ये बिल्कुल पक्का करा दो। बाबा कहते बच्चे तुम्हें वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कोई भी प्राप्ति नहीं हुई, मैं आकर तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम मुझे बुलाते आए हो, ये बातें कोई समझते नहीं, पत्थर बुद्धि हैं। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते, कहते हैं ना तुम पत्थर बुद्धि हो, सत्यों में ऐसा नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला परम पिता परमात्मा बेहद का बाप है। इस समय तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि है। जब तुम बाबा के पास आए हो, फिर सत्युग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क पड़ता है। 1250 वर्ष में दो कला कम होती हैं, सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती। तुम्हारा जीवन एकदम परफेक्ट बनता है संगम पर, बाबा की श्रीमत पर, ज्ञान योग से जीवन परफेक्ट बनता है, क्योंकि तुम बाप मिसल ज्ञान सागर सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो, बाप आते हैं वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती, नई दुनिया से पुरानी होती जाती। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5-4 वर्ष में इतने मास इतने घंटे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। ये हिसाब पूरा बताया, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है, सारी रील रिपीट होती, फिरता फिरता फिर रील रिपीट होती है। बाबा ने कही जो चक्र है ये चलता रहता है, रिपीट होता है। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से ये चक्र फिरता रहता। वो होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ये अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। जो होना है वो ही होता है, नई बात नहीं। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता है, और कोई ये बातें समझा ना सके। पहले पहले बाप का परिचय देना है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है सदा शिव। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानी होती है। इसको कहते घोर कलयुग, यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। ये आदेश किसका है, निर्देश किसका है नहीं जानते। भगवान स्वयं आकर आदेश देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। वो है पवित्र दुनिया स्वर्ग, ये है अपवित्र दुनिया दोजक नरक। तुम बच्चे समझ गए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में मेहनत है, गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती, फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहीं जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे बाबा आप ही चले जाते थे, अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़े, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी, सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे। सत्युग की दुनिया में तो बड़े बड़े महल होंगे, ये तुम बच्चे जानते हो। पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे, बहुत ऐसे करते हैं जो खड़े खोद कर भी अंदर रख देते हैं, फिर या तो चोर ले जाते हैं या खड़े के अंदर ही रह जाते हैं। मतलब दबा हुआ खजाना दबा ही रह जाता है, फिर खेती खोदते समय धन निकल आता है, अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोदकर
ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे नहीं, वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ होती हैं, सब भरपूर होती हैं। यहाँ कलराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं, बीज जो बोते हैं उसमें फिर दम नहीं रहा, किचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते, वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का नाम निशान नहीं होता। एवरीथिंग इज न्यू, स्वर्ग का साक्षात्कार बच्चियाँ करके आती हैं, वहाँ की ब्यूटी नेचुरल है, सत्युगी दुनिया की ब्यूटी नेचुरल है। अब तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप तथा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। इस समय बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाबा की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान पास करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान पास करना है। बहुत सुंदर वरदान। निश्चित विजय के नशे में रहे बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। निश्चित विजय के नशे में रहे बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं। आपका काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वो माया के शेर रूप को चीटी समझते हैं, जानते ये माया का राज्य समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज मार्जित बन जाते हैं। निश्चय पक्का है तो निश्चिंत हो जाते हैं, विजय निश्चित हो जाती है। स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्वयं प्रति विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्वयं प्रति विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। ओम शांति।